हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि आप सब अपनी जगह पे सेफ होंगे। आपको बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे ही आपको सुविधा दी जा रही है कि आप यहाँ घर बैठे ही अपने लेसन को सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्लास 4 का जो पहला लेसन है हमारा प्लांटिंग, वो करने जा रहे हैं। आप इसको ध्यान से सुने और अपना होमवर्क जो लास्ट में दिया जाएगा वो आप होमवर्क भी करें। ठीक है, तो आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला जो चित्र है वो किस चीज़ का है? व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर? यस, दिस इज सन फ्लावर। किस चीज़ का है ये चित्र? सन फ्लावर। सेकंड चित्र दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, ये है सुगर केन। क्या है ये? सुगर केन, जिससे गुड़ या चीनी बनती है। अच्छा, सेकेंड थर्ड जो है हमारा वो किस चीज का चित्र है? हाँ, ये है बनियन ट्री, बरगद का पेड़। अच्छा, लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये किस चीज का चित्र है? ये है, हाँ, मैरी गोल्ड। ठीक है, गेंदे का ये जो है चित्र है, फ्लावर है ये। अच्छा, जो हम अब पोइम अपनी शुरू करते हैं, मैं लाइंस बोलूँगा और उसको आप वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे, उसका उच्चारण कैसे करना है वो सब आप सुनेंगे। ठीक है, तो हम पिक्चर को अपने देख लिए हैं, सारे चारों चार पिक्चर्स। उसके बाद हम पोइम पढ़ना शुरू करते हैं। रेडी? आई टुक अ लिटल सीड वन डे। क्या है पहले? आई टुक अ लिटल सीड वन डे। मैंने एक दिन, वन डे मीन्स एक दिन, टुक लिया अ लिटल सीड, एक छोटा सा बीज। मैंने एक दिन एक छोटा सा बीज लिया। जो इसके अंदर राइटर है वो बता रहा है कि उसने एक दिन एक छोटा सा बीज लिया और वह उस बीज के साथ क्या किया उसने, उसके बाद कैसे उसका जो पौधा था वो उगा उसमें से। अच्छा बच्चों, हमें आप ये बताओ कि आपने कोई पौधा उगता हुआ देखा है? उसकी क्या प्रोसेस है, वो कैसे उगता है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? कभी खेतों में गए हो आप? खेतों में किसान कैसे पौधे उगाते हैं, कैसे फसल बनती है, कैसे अभी जो हमारा सीजन चल रहा है ये अनाज का, गेहूं है ना, वो कैसे पैदा हुई, किसान ने क्या क्या किया, तो उसके बारे में भी अब संपर्क करो और अपने माता पिता से पूछो, अपने आस पड़ोस से पूछो कि वो सब कैसे होता है। तो इस पोएम में भी जैसा बताया गया है कि पोइट ने एक दिन एक बीज लिया। ठीक है, उस बीज का कभी क्या किया? अबाउट अ मंथ अगो, अबाउट अ मंथ अगो, लगभग एक महीना पहले। कब लिया उसने? लगभग एक महीना पहले एक पोइट ने छोटा सा बीज ले लिया। आई पुट इट इन अ पोट ऑफ डर्ट, पोट ऑफ डर्ट मतलब मैंने मिट्टी का, डर्ट मतलब मिट्टी और पोट मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन यानी के गमला। क्या लिया मैंने? गमला। बीज को बोने के लिए उसने एक गमला लिया। इन होप्स, इस आशा से, दैट इट वुड ग्रो, और मुझे ये आशा थी कि यह उग जाएगा। ग्रो मीन्स उगना, ग्रो का मतलब क्या होता है? उगना। कवि ने एक दिन एक छोटा सा बीज लिया इस आशा के साथ कि वह एक दिन उग जाएगा। ठीक है, ये पहला स्टेंजा था, ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद इसके जो वर्ड मीनिंग है वो एक बार क्लियर कर लेते हैं। टुक मीन्स लेना, सीड मतलब
वन डे मतलब एक दिन, और अगो मतलब पहले, पोट ऑफ डर्ट मिट्टी का बर्तन यानी कि गमला, और उसके बाद है हमारा लास्ट ग्रो उगना। ठीक है, अब हम सेकंड स्टैंजा करते हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद है। सब वर्ड भी लिखनी लिख लिया आपने, नोट करना है इसको एक नोटबुक में आपने, और इसको लर्न भी करना है।